हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज दिव्या फ्रॉम लिप्स मोडा। तो आज का वीडियो जो है वो स्किन केयर से रिलेटेड है। कैसे मैं अपना मेकअप रिमूव करती हूँ समर्स में, वो मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। देख सकते हो मेरे फेस पर पूरा मेकअप लगा हुआ है, फॉल्सेस लगे हुए हैं, सारे मेकअप ऑलमोस्ट लगे हुए हैं। मैं दिखाऊंगी कैसे स्टेप वाइज स्टेप मैं अपने मेकअप को रिमूव करती हूँ और क्या क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ मेकअप हटाने में एंड उसके बाद स्किन केयर करने में। तो चलिए स्टार्ट। सबसे पहले मैं अपने फॉल्सेस हटाऊंगी। आपको फॉल्सेस एकदम अचानक से नहीं निकालने हैं, धीरे धीरे करके निकालने हैं। देखो आप धीरे से करके निकालो, निकल चुके हैं। सो मैंने फॉल्सेस निकाल लिए हैं, अब मैं अपने बिंदी हटा लूँगी। तो आपको मेकअप रिमूव करने से पहले ये बात ध्यान रखनी होगी कि आप सारे फेस पे से जो भी आपके ज्वेलरी, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हटा दो एंड उसके बाद अपने बालों को आप तो मैंने अपने बालों को बंद कर लिया है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं ये मिनीसो का जो कॉटन पैड्स है ये लेती हूँ एंड मेकअप रिमूव करने के लिए ये जॉनसन बेबी ऑयल। उसके अलावा मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती, दिखाती हूँ। मैं जस्ट इसको इसमें डिप करना है, थोड़ा सा आप इसको ऐसे ऐसे डैप डैप कर लो ताकि ये चारों तरफ फैल जाए। एंड सबसे पहले आपको अपने आईज़ पे से मेकअप हटाने चाहिए, तो मैं इसको अपने आईज़ पे ऐसे रखूँगी। जस्ट आपको ऐसे स्मच करना है। सो आप देख सकते हो मतलब पूरा आई का मेकअप एक बार में निकल गया, जस्ट सेम कॉटन पैड से। इस साइड से फर्स्ट आई का किया, इस साइड से सेकेंड आई पे मैं रखूंगी एंड सेम प्रोसेस। सो आप देख सकते हो सारा का सारा ये मेकअप निकल चुका है। अब मैं इसी से अपने आईब्रोज को उसका सारा मेकअप निकाल रही हूँ। तो मेरे आईज क्लीन हो गए, आईब्रोज दोनों क्लीन हो गए। और ये जरूर आप लोग मिनीसो से खरीद लेना। वो अब मैं अपने लिपस्टिक हटाऊंगी, तो उसके लिए सेम प्रोसेस। इसको मैं ले रही हूँ और जॉनसन बेबी ऑयल ऐसे करके लिपस्टिक भी एक बार में निकल गई। मेकअप उतारने के लिए डायरेक्ट फेस वॉश मत यूज़ किया करो गाइस, कभी भी नहीं। जब तक पूरा मेकअप ऐसे ऑयली प्रोडक्ट से ना निकाल लो तब तक फेस वॉश मत किया करो। अब मैं समर्स में कौन सा फेस वॉश यूज़ करती हूँ, तो वो है हिमालया। अभी मैं फेस वॉश करूँगी। देख सकते हो मैंने फेस वॉश कर लिया है, सारे मेकअप निकल गए, जो भी ऑयल के ऑयलीनेस थे वो सारे निकल गए। अब मैं क्या करूँगी, अपने फेस को पानी से ऐसे डैप डैप कर लूँगी और मैं वीक में 2 डेज स्क्रब करती हूँ। ये है बायोटिक का बायो पपाया। जैसे ही स्क्रब ड्राई होने लगे थोड़ा सा पानी लेके ऐसे फेस पे कर लो एंड देन मजे में स्क्रब करो। पहले मेकअप उतार लिया, फिर फेस वॉश किया, फिर स्क्रब किया। अब इसके बाद आप चाहो तो कोई फेस पैक यूज कर सकते हो। अब इसके बाद मैं
फेस पे फेस को मॉइस्चराइज करूँ, पहले सबसे पहले टोनर, या मैं भूल गई थी, मेरा टोनर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। ये मेरा होममेड टोनर है, कोकोनट टोनर, मैंने 3 बार अभी तक बना लिया है। ये तीसरा बॉटल है जो मेरा ख़त्म हो गया है, तो ये मैं पहले अपने फेस पे अप्लाई, बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशमेंट फील कराता है ये टोनर। अब मैं फेस को मॉइस्चराइज करूँगी। फेस मॉइस्चराइज गर्मियों में, मैं समर्स में ये पॉन्ड्स का क्रीम यूज़ करती हूँ। इसमें विटामिन ई एंड ग्लिसरीन है, एंड उसके साथ बिल्कुल ऑयलीनेस नहीं लाता है आपके फेस पे, एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेक्सचर लाता है मिल्क। तो ये थोड़ा सा मैं, जिनके ऑयली फेस है वो प्लीज़ ज़्यादा मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे ना लगाएं। ड्राई स्मेल भी बहुत अच्छा है इसका, बिल्कुल फ्रेश। आईज के पास हल्के हाथ से ऐसे मसाज कर लेना। अब इसके बाद मैं कुछ भी यूज नहीं करती। हाँ, वन मोर थिंग, लिप बम के लिए ये मैं लोटस की लिप बम यूज करती हूँ। बहुत ही अच्छा लिप बम है ये। I'm done. तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर देना। मेरा चैनल देखते रहना। बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बी सेफ, बाय।